हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम टू एस बी एस क्लासेस वी आर हेयर टू स्टडी यूनिट नंबर सेवन गिलिम्स ऑफ इंडिया गिलिम्सिस ऑफ इंडिया भारत की झलक नाम के इस लेसन में स्टूडेंट्स तीन कहानियां हैं उनमें से नंबर वन है अ बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाई लूसियो लू लूसियो रोड्रिक्स के द्वारा लिखित ए बेकर फ्रॉम गोवा गोवा का एक पाव निर्माता पाव बनाने वाला थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं लूसियो रोड्रिक्स गोवा में जो पाव बनाने वाले होते हैं उसके बारे में इसमें बता रहे हैं कि गोवा के जीवन पर पुर्तगाली कल्चर का एक गहरा प्रभाव है और जो ये बेकर है पाव रोटी बनाने वाला यह उस संस्कृति का एक भाग है एक हिस्सा है और बेकर फ्रॉम गोवा ये ग्रामीण गोवा के पारंपरिक ग्रामीण जीवन का एक शब्द चित्र है यानी कि ये जो ए गोवा फ्रॉम ए बेकर फ्रॉम गोवा है ये है गोवा के गांव के एक पाव निर्माता का शब्द चित्र है शब्द चित्र से अर्थ है एक व्यक्ति का अनौपचारिक वर्णन एक व्यक्ति के बारे में अनौपचारिक रूप से वर्णन करना ये पैन चित्र कहलाता है शब्द चित्र कहलाता है जो समाज के अंदर यानी कि गोवा पारंपरिक गोवा के ग्रामीण पाव निर्माता का एक शब्द चित्र है जो समाज के अंदर एक महत्वपूर्ण आज भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है उसके बारे में लूसियो रोड्रिक्स इस लेसन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से पुर्तगाली जो पाव निर्माता है पाव रोटी बनाने वाला है उसकी क्या स्थिति है और किस प्रकार से वह कार्य करता है तो आइए शुरू करते हैं

अधिकतर बहुधा सुने जाते हैं सुनाई देते हैं या सुनाई पड़ते हैं रेमिनी सिंग का मीनिंग है अतीत की बातों को प्रसन्नतापूर्वक चर्चा करते हुए अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज उन पुराने अच्छे पुर्तगालियों के दिनों के बारे में दी पोर्तुगीज पुर्तगालियों के बारे में एंड देर फेमस लोब्ज ऑफ ब्रेड और उनके प्रसिद्ध पावों के टुकड़ों के बारे में हमारे बुजुर्ग अधिकतर उन पुराने अच्छे पुर्तगालियों के दिनों पुर्तगालियों और उनके प्रसिद्ध पाव के टुकड़ों के बारे में भूतकाल की अतीत की यादों को प्रसन्नता पूर्वक चर्चा करते हुए सुनाई पड़ते हैं यानी कि जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं वो संतत पूर्वक अतीत के बातों के बारे में चर्चा करते हैं विशेष रूप से पुर्त जो पुराने अच्छे पुर्त गाली दिन थे उनके बारे में चर्चा करते हैं पुर्तगालियों की चर्चा करते हैं और उनकी जो प्रसिद्ध पाव ब्रेड का मीनिंग है पाव या पाव रोटी लोव्स मींस टुकड़े और उनकी प्रसिद्ध पाव रोटी के टुकड़ों की चर्चा करते हैं दोज ईटर्स ऑफ लॉब्स मेकर्स आर स्टिल देयर आगे राइटर कहता है दोज ईटर्स ऑफ लॉब्स उन पाव रोटी के टुकड़ों को खाने वाले दोज ईटर्स ऑफ लॉब्स यानी कि उन पाव रोटियों को या पाव के टुकड़ों को खाने वाले लोग ईटर्स मींस खाने वाले लोग या खाने वाले माइट गायब हो चुके हैं शायद गायब हो चुके हैं अर्थात मर गए हैं वेस्ट मीन्स गायब हो गए हैं अर्थात मर गए शायद उन पावों के टुकड़ों को खाने वाले लोग नहीं रहे हैं बट परंतु दी मेकर्स उन पावों को बनाने वाले आर स्टिल अभी भी देयर वहां पर है कहा पर गोवा में वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स We still have amongst us हम में अभी भी या आज भी या हम में अभी भी क्या है द मिक्सर्स सामान को मिलाने वाले हैं यानी कि हमारे बीच में हमारे मध्य में अभी भी सामान को मिलाने वाले हैं कौन से सामान को जो पाव का सामान होता है पाव बनाने का द मोल्डर्स साचा बनाने वाले भी हमारे बीच में अभी भी उपस्थित है मौजूद हैं एंड दोज और वे लोग भी हमारे बीच में हैं हु जो पाव के टुकड़े बनाते हैं या पकाते हैं वे भी हमारे बीच में अभी भी हैं दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेज स्टिल एग्जिस्ट आगे राइटर कहता है दोज एज ओल्ड वे एज ओल्ड मीस पुरानी टाइम टेस्टेड समय के साथ साथ परखी गई इसे कहते समय परीक्षित फर्निश भट्टियां स्टील में अभी भी एग्जिस्ट मिश मौजूद हैं वे पुरानी समय परीक्षित समय के द्वारा जांची परखी गई भट्टिया अभी भी मौजूद है विद्यमान है या कायम है दायर इन दर्नेस हैज नॉट येट बीन एक्स्टिंग एक्टिंग बुझी पुट आउट दायर आग इन द फर्नेसिस इन भट्टियों में इन भट्टियों की आग हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग यानी कि इन भट्टियों की आग अभी तक बुझी नहीं है ये भट्टियां लगातार जल रही हैं उनमें लगातार पाओ के टुकड़ों को बनाया जा रहा है दर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैंबू राल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस आगे राइटर कहता है दर्ड थब थब की आवाज एंड थिंगल और झनझन की आवाज ऑफ ट्रेडिशनल पारंपरिक बेकर्स बेंबू पाव बनाने वाले बांस की पारंपरिक बेकर पाव बनाने वाले के पारंपरिक बांस की थब थब और झंझनाहट जन की आवाज जैसे कोई डंडा होता है जमीन पर मारकर मार चलते हैं बांस का तो उसकी थप थप की और झनझन की आवाज हेराल्डिंग संकेत देती थी हिज अराइवल उसके आगमन का इन द मॉर्निंग प्रातः काल के समय यानी कि प्रातः काल के समय पाव बेचने वाले के आगमन का संकेत उसके बांस के पारंपरिक बांस के थब थब और झंझन की आवाज प्रातः काल उसके आगमन का संकेत देती थी कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेज और ये आवाज़ अभी भी कई स्थानों पर सुनी जा सकती है कैन स्टिल सुनी जा सकती है इन कई स्थानों पर जब पाव बेचने वाला काल बस्ती में घूमता था तो उसके हाथ में बांस का डंडा होता था लाठी होती थी और वह उसको जमीन पर मारकर चलता था तो उसे थप थप की और झनझन की आवाज सुनाई देती थी से पता लग जाता था कि बेकर पाव बेचने वाला आ रहा है मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन मे बी हो सकता है द फादर पिता इज नॉट अलाइव जीवित नहीं है अर्थात हो सकता है उसके पिता मर गए हो बट परंतु दिस सन पुत्र ने या पुत्र स्टिल अब भी कैरीज ऑन चला रहा है द फैमिली प्रोफेशन अपने परिवार का व्यवसाय उस पाव के बनाने का कार्य जो परिवार का था उसे पुत्र अब भी चलाए हुए है या चला रहा है दीज बेकरूडे नॉन एज पैडर इन गोवा इवन टूडे आज भी दीज बेकर्स ये पाव बनाने वाले पाव निर्माता आज भी ये पाव निर्माता आरनोन जाने जाते हैं एज पैडर इन गोवा गोवा में आज भी ये पाव बनाने वाले लोग पाव निर्माता गोवा में पैडर के नाम से जाने जाते हैं यानी कि जो पहले पाव बनाते थे उन्हें आज गोवा के अंदर पैटर के नाम ड्यूरिंग अवर चाइल्ड हुड इन गोवा दूसड टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड राइटर कहता है ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड हमारे बचपन के दौरान या बचपन में इन गोवा गोवा के अंदर गोवा में हमारे बचपन में राइटर कहता है दी बेकर यूज टू बी बेकर पाव निर्माता पाव बनाने वाले यूज टू बी हुआ करते थे अवर फ्रेंड हमारे दोस्त companion साथी एंड गाइड और मार्गदर्शक राइटर कहता है कि गोवा में हमारे बचपन में हमारे बचपन के समय में बेकर पाव निर्माता हमारे दोस्त साथी और मार्गदर्शक होते थे या हुआ करते थे ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस डे ही यूज टू कम वह आया करता था एट लीस्ट कम से कम ट्वाइस दो बार डे एक दिन में वह दिन भर में कम से कम दो बार हमारे यहाँ आया करता था Once when he set out in the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his huge basket. Once एक बार तो वह उस समय आता था when जब he set out वह रवाना होता था या जाता था in the morning प्रातःकाल के समय ऑन हिज सेलिंग राउंड भ्रमण के लिए बिक्री भ्रमण के लिए जब वह प्रातःकाल जाया करता था तब आता था एक बार तो एंड देन अगेन और फिर दोबारा उस समय आता था वैन ही रिटर्न जब वह वापिस आता था आफ्टर एम्पटिंग खाली करने के बाद हिज ह्यूज बास्केट अपनी बड़ी टोकरी अपनी बड़ी टोकरी में रखे हुए पावों को बेच करके खाली करके जब वापिस आता था तो दूसरी बार तब आता था दिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैंबू वॉक अस फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम आगे राइटर कहता है द जिंगलिंग थर्ड झनझनाहट जन या जन, जन की या झंझन जन जन करती हुई थब थब की आवाज ऑफ हिज बैंब उसके बांस की झंझन जन जन करते हुए थब हिज बैंबू उसके बांस की झंझन जन जन करते हुए थब, थब थब की आवाज वोक अस अब हमें जगा देती थी फ्रॉम स्लीप नेम से एंड वी रैन टू मीट और हम मिलने के लिए दौड़ते थे एंड ग्रीट हिम और उसका सत्कार करते थे हम उठकर के उससे मिलने और उसका सत्कार करने के लिए दौड़ते थे इस बात को राइटर कहता है जब पाव बेचने वाला अपने बांस की झनाती जन हुई थप थप की आवाज करता था जमीन पर मार करके उस बांस को तो उसकी झनझनाते जन हुए थप थप की आवाज से लेखक और उसके परिवार के छोटे चोट छोटे और उसके जैसे बालक थे वो जाग जाते थे और उससे मिलने के लिए किससे पाव बेचने वाले से मिलने और उसे नमस्ते करने या सत्कार करने के लिए दौड़ पड़ते थे वाई वाज इट सो ऐसा क्यों था वॉज इट फॉर द लव ऑफ दि प्यार था ऑफ द लोफ उस टुकड़े का किसका पाव के क्या पाव क्या यह है पाव के टुकड़े का प्यार था जो हम उस बेकर की पाव विक्रेता की ओर दौड़ते थे नॉट एट ऑल ये बिल्कुल भी नहीं था द लॉब्स वर ब्राउट बाय सम और बास्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस आगे राइटर कहता है द लोब्ज टुकड़े पाव के टुकड़े अर्थात बहुत अधिक संख्या में पाव रोटियों को देने के लिए वर ब्राउट सॉरी वर बोट खरीदी जाती थी सम पास्किन और बास्टिन मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस टुकड़ों को घर की पास्किन या बास्टिन नाम की नौकरानी खरीद लेती थी वाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चू चोज केयरफुल वाट बी लॉन्ग फोर हम जिस चीज की चाह करते थे हमें अच्छी लगती थी हम इच्छा करते थे वर दोज ब्रेड बैंगल्स सुबह पाव चूड़ियां होती थी यानी कि हमें जो चीज सबसे अच्छी लगती थी जिस हम चाहते थे वह पाव चूड़ियां होती थी विच वी चोज केयरफुल्ली जिन्हें हम सावधानी पूर्वक चुनते थे सम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक और राइटर कहता है कभी कभी यह विशेष प्रकार से बनी हुई मीठी पाव होती थी कभी कभी यह स्पेशल मेक मीन्स विशेष प्रकार से बनी हुई मीठी पाव होती थी या पाव रोटी होती थी तो स्टूडेंट्स इस, इस वीडियो को यहीं पसंद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे फिर मिलते हैं इसी लेसन की वीडियो नंबर टू में